बुलंद शहर के खुर्जा तहसील में आज आशाओं ने अपने साथ हो रही वसूली का आरोप लगाते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। यह सभी आशाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरपा पर तैनात हैं और इनका आरोप है कि उनकी बीसीपीएम अंजलि उनके किए गए कामों की रकम से वसूली करती है। आखिर क्या है मामला, आशा वर्कर से सुनते हैं, जानते हैं। क्या नाम है? उषा। तहसील आई है, क्या मामला है आपका? सर, हमारे डॉक्टर साहब के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, जो कि हमारे सर ने हमारे खिलाफ मतलब खुली बैठक रखी थी तो उसमें हमसे कहा था कि आपकी बीसीपीएम अगर कोई भी दरफा पीएससी पे आपसे पैसे लेता है तो आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने क्लियर सर ने हमसे मना कर दिया था। क्लियर सर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है कि मतलब सर पैसे दिलवा रहे हैं। कौन लेता आपसे पैसे? सर बीसीपीएम कौन है? अंजलि। कितने पैसे लेती हैं? सर जितना जिसकी आशा डायरी पूरी है तो उसके पैसे, जिसकी आशा डायरी अधूरी है उसके ही पैसे लेती हैं, जिनकी नहीं है पूरी तो उनसे तो उनके तो पैसे पहुंच ही रहे हैं। सर हमारी कोई तनख्वाह वगैरह तो है नहीं, हम मेहनत से काम करते हैं, आशा डायरी अपनी पूरी करते तो भी हमारा पेमेंट कट जाता है। अगर हमें तनख्वाह मिलती तो बताओ हम क्या करते हैं। तो अब तक कितने कितने पैसे ले लिए आपसे? सर ले लिए 1600 रुपये। अच्छा जी, और आशाओं से भी लिए हैं। अब आपने ज्ञापन दिया है आपको, तो क्या आपको आश्वासन मिला? जी शोषण ये मिला है कि हम सीमो सर। क्या नाम है आपको? इंद्रवती। आज जो आप लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांग? सर ये हमारी कि जो हम आशा कार्य करती हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं ईमानदारी मेहनत लगन से, तो जो भी हमारा भत्ता मिलता है वो हमें पूरा ही मिलना चाहिए, उसमें कटौती होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई सैलरी नहीं है, नहीं रात देख रहे, नहीं कोई दिन रात कोई कुछ खाना पीना कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमें मिलना चाहिए। उसमें भी बीसीपीएम कहती हैं कि वह उसमें जो हमारे डायरी के जो पैसे हैं, जो हमारी डायरी पूरी है उसके 2000 हैं उस डायरी के, उसमें भी हमारे कितने आने, कभी 1200 कभी 1500 कभी 1600। क्या रिश्वत के तौर पे पैसा लेते? हाँ नहीं, उन्होंने मांगा कि हमें इसके 400 रुपये चाहिए, लेकिन हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भले हमारे आए या नहीं, चाहे हमारा काम इतना ईमानदारी से हम कर रहे हैं, हमारी डायरी को चेक करो, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे चेक इन वाले बुलंद शहर से भी, तो उन्होंने यही कहा कि भाई तुम्हारी डायरी पूरी है तो किस बात के पैसे, हमने नहीं दे, भले ही हमारा एक आए या नहीं आए, हमने पैसा एक नहीं दिया। भले ही उन्होंने मांग रखी, जो हमारे जो सर हैं वहाँ अधिकारी सर, उन्होंने कहा, उन्होंने खुली बैठक रखी थी, उन्होंने कहा कोई पैसा तुमको नहीं देना, क्यों? तुम्हारी कोई सैलरी नहीं है। अगर अपने नज़रिए से देखा जाए तो तुम्हारा काम बहुत मेहनत का है, उस हिसाब से हम